मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिलीज, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में जितने परिवार हैं, आपको याद करके परमेश्वर की महिमा करता हूं। आप आशीष पाए हुए लोग हैं, आशीष बनकर रहोगे। आपकी सोच से ज्यादा परमेश्वर आपको आशीषों से भरपूर करेगा। आज के दिन परमेश्वर आपको बहुत ही मुख्य बात बताना चाहता है। मैं उसे परमेश्वर के वचन से ही पढ़कर दिखाने वाला हूं। पढ़ते हैं निर्गमन 3:4-5। तब परमेश्वर ने फाड़े के बीच उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? परमेश्वर की आवाज को उस जंगल में होरे पर्वत में जब वो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहा था, तब मूसा को परमेश्वर की आवाज सुनाई पड़ती है। क्यों परमेश्वर की आवाज उसे सुनाई पड़ी? 430 साल तक जो है उसके लोग गुलामी में पड़े थे और परमेश्वर की नजरें मूसा को देखती हैं। किस परिस्थिति में? सुनसान जगह में जब मूसा था तब। आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आपके घर की परिस्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी शारीरिक चीजें शायद एक जंगल की तरह हो सकती हैं, पर इस जंगल को आप नीचा मत समझिए। इस जंगल में ही परमेश्वर की आवाज सुनाई पड़ी। ठीक है, परमेश्वर क्या बात कर रहा है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों? निर्गमन 3:3 में, तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह फाड़ी क्यों नहीं जल रही। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, देखिए वो झाड़ी जल रही है, उसे घूर कर देखता है, वह जल नहीं रहा है पर पूरी तरह से भड़क रहा है आग। इस अद्भुत चीज को मैं कैसे देखूं? दूर से मैं नहीं देख सकता, पास जाता हूं और करीब जाता हूं। जब वह और करीब जाता है तो परमेश्वर की आवाज उसे सुनाई पड़ती है, उसका दर्शन समझ पाता है, बुलावे को पा लेता है। मैं क्या कहता हूं, इस समय में परमेश्वर के सम्मुख को और गहरे रूप से जाइए। आपका विजन परमेश्वर आपको दिखाएगा, आपका विचार क्या है उसे दिखाएगा, आपके ऊपर जो योजना है परमेश्वर दिखाएगा। प्रतिदिन उसके सम्मुख में और भीतर जाइए और करीब जाइए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। बाइबल बताती है जब परमेश्वर देखा कि वह मुड़कर चला आता है, जब तुम्हारे दर्शन को और गहरे रूप से तुम जाते हो, करीब में जाते हो, तब हम उसकी आवाज को सुन पाते हैं। आज और गहरे रूप से जाइए, करीब जाइए। दुनिया में आप गए और गहरे रूप से देखा, बस काफी है। अब परमेश्वर के सम्मुख में जाइए और करीब जाइए, और करीब जाइए। उसका और आपका जो रिश्ता है और जब गहरा बन जाता है तो सामर्थ्य आपके अंदर दिखने लगेगा। यही परमेश्वर के आशीष को पाने का एक रास्ता है। प्रार्थना करें, परमेश्वर चलाएगा हमारे पवित्र परमेश्वर। हे परमेश्वर, दर्शन को जब हम और करीब जाते हैं, हमारे बुलावे को जिसने दिया है उसकी इच्छा को हम जान पाते हैं। इस घटना को प्रचार करने लायक जो तूने मौका दिया, धन्यवाद। आज जो जो सुनसान में पड़े हैं, जंगल में पड़ा है, उस सुनसान के जीवन को और बढ़ाई ना करने के लिए, बल्कि तेरे सम्मुख में और गहरे रूप से आने के लिए सहायता कर। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की सोचें उनके घरों में और बढ़ने लगे। इस समय से उनके मन में एक गंभीरता उत्पन्न हो, ऐसा तू करने वाला है, इस तरह धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर की स्तुति हो, आपने आशीष पा लिया है। पर आपकी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आशीष पाने के लिए तैयार हैं, उनको शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको आशीषों से भरपूर करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com।
परमेश्वर आपको आशीष दे।